राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियास एंटरटेनमेंट। कैसे हैं आप सब? तो देखो जी, आज फिर से एक और होममेड प्लेटर है मेरे पास, बहुत ही टेस्टी, बढ़िया खुशबू आ रही है। मैंने बनाए हैं अमृतसरी छोले विदाउट अनियन एंड गार्लिक, सारा प्लेटर है। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ शायद, तो मैंने अनियन और गार्लिक पूरी तरह छोड़ दिया है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने बनाए हैं जीरा वाले राइस, थोड़ी सी हल्दी और धनिया डाल के। ये मैंने ऑर्डर किया है बाहर से खांडवी, जैसे ढोकला आता है ना, ऐसे सेम गुजराती डिश है खांडवी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। मीठे में है गाजर का हलवा, क्योंकि विंटर्स आ गई हैं, और यहाँ पर है साथ में दही भल्ले, ऊपर मैंने मुड़मुड़ी डाली है, धनिया डाला है, पीने में है ऑरेंज बेसिल सीड जूस, बड़े दिनों बाद ये वाला जूस रखा है ना। सैलेड में है टोमेटो एंड ग्रीन चिली। शुरू करते हैं आज का मकबैंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो में शाउट आउट के लिए जो रूल है वो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आपको बताना है कि वीडियो में किस टाइम पर आपने एक रेड हार्ट को स्क्रीन पर ब्लिंक करते हुए देखा फॉर फ्यू सेकेंड्स, उसका टाइम लिखना है। ठीक है, साथ ही अगर आप देखना चाहते हो इसके पीछे की मेरी लाइफ यानी मेरे व्लॉग्स, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर आ सकते हो, विच इज़ प्रिया इज़ व्लॉगिंग। लिंक आपको मिल जाएगा कॉमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, सब जगह। नाउ लेट्स बिगिन। जय श्री राधे। पहले हम जूस डाल लेते हैं मग में। चीयर्स। बड़ी मुश्किल से मिल रहा है मुझे ऑरेंज फ्लेवर। चीयर्स गाइस। एक इसका मैंगो और एक इसका ऑरेंज फ्लेवर, बचपन की वो चूसने वाली आइसक्रीम्स की याद दिलाता है, पॉप्सिकल्स। तो जी, सबसे पहले एक पीस खांडवी का आपको खिलाया जाए। आ कर लो। जिसको ढोकला पसंद है ना, गुजराती खाने में नमकीन चीज़ों में ना हल्की सी मिठास होती है, और मुझे ये कॉम्बिनेशन पर्सनली बहुत पसंद है। यम। इतनी सॉफ्ट होती है खांडवी, ये देखो। दिखा ऐसे रही हूँ जैसे बस मुझे खाने को मिली, आप लोगों ने तो कभी खाई नहीं होगी, उनके लिए बता रही हूँ जिन्हें नहीं पता। ओए होए, ये मैंने घर पे खुद भी बनाई हुई है पता है, एक बार। वाह, भल्ले भी बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट हैं। लो जी, भल्ला की पहली बाइट ले लो। भल्ले के ऊपर ये क्रंची कॉर्नफ्लेक्स वाली सेव डाल के, यम। भल्ला बहुत अच्छा बनाया है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन कोर्स पे। तो जी, छोले चावल की फर्स्ट बाइट के लिए कौन मुंह खोल रहा है? हम्म,
सिंपल घर का बना सात्विक भोजन, नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मज़ा आ गया। तो भाई सर्दियों में आपका फेवरेट फूड कौन सा है? अच्छा अभी क्या है ना, जब से मैंने अनियन गार्लिक खाना छोड़ा है ना, घर में एक बार भी सरसों का साग नहीं बनाया है, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी बिना अनियन गार्लिक के सरसों का साग बनाया ही नहीं, ना खाया है। पर बनता है, लोग टमाटर अदरक के साथ बनाते हैं डेफिनेटली। तो इस वीक मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, अच्छा लगा तो फिर मैं मकबांग में भी लेकर आऊँगी। हाँ वो भी लाना है मैंने, परांठे मक्खन मलाई के साथ वाला मकबैंग। बहुत टाइम से मुझे कुछ लोग लिख रहे हैं, दीदी आलू के परांठे या कुछ ऐसे गोभी मूली के परांठे वाला करो। तो अब विंटर्स हैं, हम लोग ऑलरेडी परांठे बनाते हैं घर पे, रोज़ सुबह परांठे ही बनते हैं मोस्टली, तो लेकर आऊँगी वो भी। चावल इतने खिले खिले बने हैं, मस्त एकदम। अभी ना बैठने से पहले सोच रही थी साबुदाना पापड़ फ्राई करती हूँ करती हूँ करती हूँ, भूल गई, वीडियो स्टार्ट कर लिया अभी ध्यान आया पापड़ नहीं फ्राई किया, नेक्स्ट टाइम ले आऊँगी पक्का। छोलों के ऊपर गरम गरम देसी घी, लाल मिर्च, अदरक और धनिया का छौंक जो लगाया है वो एक अलग ही फ्लेवर की किक देता है। आपने क्या बनाया आज लंच में, डिनर में? और मेरे वीडियो में ऑडियो कैसा आ रहा है वो भी बताना। लो जी हम मिक्स कर लेते हैं सारे छोले चावल जो बचे हुए हैं, और आप सबके बहुत सारे प्यार भरे कमेंट्स आते हैं मुझे, उसके लिए एक बार फिर से आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, इसलिए कमेंट ज़रूर करते रहा करो।
और शाउट आउट के लिए याद रखना, आपने बताना है कि वीडियो के बीच में रेड हार्ट किस टाइम पर ब्लिंक करा। मजा आ गया। चावल फिनिश, एक भल्ला और बचा है हमारा मस्त क्रंची सेव के साथ। फिनिश। जब से खाना खाना शुरू किया ना, मेरी आंखें इस पे गड़ी हुई है। मैं बहुत मन कर रहा है आज। इस विंटर्स का पहला गजरेला है। कुछ लोग गजरेला सुनकर हंसते हैं यार। पंजाबी लोग गजरेला ही बोलते हैं गाजर के हलवे को। वी डोंट कॉल इट गाजर का हलवा, या पता नहीं हमारे घर में तो गजरेला ही बोलते हैं। चलो जी मीठा खाते हैं और थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं। देखो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपना प्लेटर फिनिश कर दूं, लेकिन मेरा शुरू से यही रहा है कि मैं ओवर स्टफ नहीं करती, अपने आप को ओवर ईट नहीं कर सकती, बिकॉज मैं एट कॉस्ट ऑफ माय हेल्थ मकबैंग वीडियोस बनाना शुरू से पसंद नहीं करती। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि मेरा प्लेटर दिखने में अच्छा लगता है भरा हुआ, बट क्वांटिटी थोड़ी ही होती है, उतनी ही जितनी एक इंसान खा सके। कई लोग तो इतना भी नहीं खा सकते हैं एक्चुअली में, और थोड़ा सा ज़्यादा इसीलिए खा पाती हूँ क्योंकि मुझे मकबैंग करना है, मुझे पता है। तो अगर मैं सिर्फ एक रोटी दाल सब्जी रख के खाऊंगी तो नोबडी इज़ गोइंग टू कम एंड वॉच वीडियोज़, ठीक है। और मैं वीडियोज़ पे व्यूज़ चाहती हूँ तभी तो बना रही हूँ, वरना आराम से घर में बैठ के बढ़िया से गर्म गर्म खाना खा सकती हूँ ना। तो खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, इतनी समझ हमें भी है, इसलिए अगर कुछ भी इसमें छूटता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले तो वो झूठा ना हो, मैं उसमें से लेकर खाऊं, और फिर भी अगर रहता है तो मैं ज़रूर उसको अगले मील में जैसे कि डिनर में इंक्लूड करके फिनिश कर लेती हूँ, बिकॉज़ मेरे यहाँ पर कुछ भी झूठा नहीं छोड़ा जाता। लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोगों को अगर देख कर वो चीज़ बुरी लगती है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड मुझे माफ़ कर सकते हो। मैं कोई ये चीज़ मतलब माइंड करके नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ। हर एक के अपने अपने विचार और भाव होते हैं, तो अगर किसी को ऐसा देखना अच्छा नहीं लगता कि प्लेट में कुछ छूट गया है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मुझे अपना वीडियो सेटअप जिस तरह से चलाना है उसमें ये सब होगा आगे भी थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ आप बेयर कीजिए मेरे साथ। चलो अब मुँह खोलो, बहुत हो गई मीठी मीठी बातें, और मीठा खाएंगे। राधे राधे। पूरे एक साल बाद बनता है यार ये सर्दियों में ही। गर्मियों में ना वो ऑरेंज वाली गाजर आती है, इंग्लिश गाजर, उसका हलवा ऐसा बनता ही नहीं है, सो वी डोंट इवन ट्राई टू मेक इट। ये लाल वाली गाजर का यम। देसी घी में बना है, और भैया ने खूब सारा खोया और मेवे डाले हैं। खाना खाने के बाद मीठा तो मेरी जान है, बट थोड़ी क्वांटिटी में।
ये जितना हलवा खाया है ना मैंने, टू मच है, हैवी होता है। और मैं कुछ लोगों की वीडियोस देखती हूँ जो सिर्फ मीठे का मकबैंग बनाते हैं, आई जस्ट कांट डू दैट। मुझे नहीं पता वो दो तीन सिटिंग्स में बैठ के खाते हैं, तब भी मैं एक साथ इतना मीठा नहीं खा सकती यार। मज़ा आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप सबको बहुत सारा प्यार। राधे राधे।